कुछ कोई ऐसे नहीं लिखा, गुड टू सी। लेट मी गिव यू वन बाउंसर, यू विल राइट योर फर्स्ट ऐसे टू डेट सर। ठीक है, हाँ सही है, ये सच है। ठीक है, आज आप एक अपना पहला ऐसे लिखने वाले हैं। बिफोर वी राइट दैट पर्टिकुलर ऐसे, टेल मी लाइक सी, आज के लेक्चर, आज के सेशन में आई वॉन्ट बी टीचिंग यू एनीथिंग, राइट? आवर लेक्चर्स ऑफ ऐसे विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। फ्रॉम टुमारो आई विल बी टीचिंग यू एनीथिंग। टुडे वॉट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम। फर्स्ट थिंग इज द जनरल प्रॉब्लम्स इन ऐसे राइटिंग, एंड सेकेंड थिंग इज द प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग वाइल डूइंग द ऐसे राइटिंग, राइट? वॉट वी विल डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द जनरल प्रॉब्लम्स विच यू पीपल फेस इन ऐसे राइटिंग। अच्छा एक चीज बिफोर आई मूव अहेड, दीज आर द मोस्ट यू नो यूजफुल लेक्चर्स इन टर्म्स ऑफ आर ओ आई। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस टर्म आर ओ आई? वॉट इज द फुल फॉर्म? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो द टाइम विच यू विल बी इन्वेस्टिंग इन दीज ऐसे सेशंस एंड द रिटर्न विच यू विल बी गेटिंग इज ट्रिमेंडसली यू नो फिनोमिनल। फॉर एग्जाम्पल दे आर टू कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स इन ऐसे राइटिंग। कैटेगरी वन आर दोज स्टूडेंट्स हु विल बी गेटिंग अराउंड 85 to 90 marks और मे बी 100, राइट? कैटेगरी टू स्टूडेंट्स विल बी गेटिंग एटलीस्ट 125 marks एंड मे बी इवन 145 marks इन ऐसे राइटिंग। वॉट इज द डिफरेंस? वॉट इज द डिफरेंस? अराउंड अराउंड 40 marks। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज अराउंड 30 to 40 marks। कैन एनी वन टेल मी द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज मार्क्स इन मेन्स? हाँ एनी वन? सीधा आई एस से आप बाहर भी हो सकते हो, पता है आपको 40 marks के अंदर अंदर गेम हो जाता है। 2 marks के अंदर द रैंक स्विच मे बी 50 and 70 positions। सो इन दीज 40 marks आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू सिक्योर अ वेरी गुड रैंक इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। नाउ इन ऑर्डर टू फैच दीज एक्स्ट्रा 40 marks वॉट यू नीड टू इन्वेस्ट? वॉट यू नीड टू इन्वेस्ट? लेट मी टेल यू। फर्स्ट थिंग इज जस्ट 7 to 8 lectures ऑफ माइंड अलॉन्ग विद वर्कशीट्स वॉट एवर आई एम गिविंग यू, दिस मच फर्स्ट थिंग। सेकेंड वॉट आई रिक्वायर फ्रॉम योर एंड इज ऐसे नोट्स विच वी विल बी गिविंग यू, आई मीन यू कैन टेक इट फ्रॉम द ऑफिस फॉर द ब्रह्मास पीपल, दैट इज एट 50% डिस्काउंटेड रेट, राइट? फॉर अदर्स दैट इज पार्ट ऑफ द कोर्स, वो आर पार्ट ऑफ ऐसे कोर्स सेपरेटली, इट इज पार्ट ऑफ द कोर्स। सो ऐसे नोट्स जस्ट 2% ऑफ द एंटायर कंटेंट इज सफिशियंट टू राइट अ डिसेंट ऐसे। सिर्फ 2% पढ़ना है आपको। इट इज अनलाइक योर जी एस बुक्स विच हैव टू गो फ्रॉम एंड टू एंड। मैक्सिमम 2 to 5% ऑफ द कंटेंट विल डू द वंडर्स इन ऐसे राइटिंग, सिर्फ इतना, ठीक है? देन अपार्ट फ्रॉम दिस एटलीस्ट प्रैक्टिस 20 ऐसे, दैट इज इट, सिर्फ इतना, एंड यू विल एंड अप यू नो इंश्योरिंग एडिशनल 30 to 40 marks इन ऐसे राइटिंग। दैट इज वॉट ऑल आई नीड फ्रॉम यू पीपल, राइट? नाउ फॉर दोज हु हैवन डन द ऐसे राइटिंग, वॉट वी विल बी डूइंग टूडे इज आई विल बी गिविंग यू 2023 का पेपर, ठीक है? जस्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, देर आर 4 topics इन फर्स्ट पार्ट। वॉट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी राइटिंग एन ऐसे ऑन दैट। सी आई मे टीच यू फर्स्ट, राइट? आई मे टीच यू फर्स्ट देन आस्क यू टू राइट, बट देन यू वॉन्ट गेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज सेशंस। यू वॉन्ट बी एबल टू फिगर आउट हाउ मच यू हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट डे सिंस योर लास्ट डे। यू विल फाइंड अ डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट यू नो 90 marks। दिस आई प्रॉमिस, दिस आई प्रॉमिस, इफ यू आर फॉलोइंग द वर्कशीट योर ऐसे का नोट्स एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग, दिस आई प्रॉमिस। यू कैन ऑलवेज गो अंटिल 145 marks विद योर प्रैक्टिस एंड योर एडिशनल इनपुट्स। फ्रॉम दिस टू दिस यू जस्ट नीड एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, ठीक है? दिस आई विल इंश्योर इन माई सेशंस। 125 marks आई विल इंश्योर। सो यू शुड नो दैट वॉट वी आर डूइंग एक्स्ट्रा इन ऑर्डर टू मेक दिस 90 marks टू 125 marks। वॉट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी राइटिंग योर ऐसे वन टूडे, राइट? दिस विल बी पार्ट ए ऑफ योर 2023 का पेपर, है ना? देन वी विल बी राइटिंग वन ऐसे एट द एंड ऑफ द कोर्स। ऑल द वर्कशीट्स विल बी देयर वेयर वी विल बी डूइंग द रेगुलर प्रैक्टिस, बट वी विल बी राइटिंग पार्ट बी एट एंड ऑफ द कोर्स ऑफ 2023, राइट? यू जस्ट चेक योर डिफरेंस। हैव दिस कॉपी इन फ्रंट ऑफ यू, शो दिस कॉपी
टू योर फ्रेंड बोथ ऑफ दिस कॉपीज एंड यू विल नो द डिफरेंस इन योर मार्क्स वेरी क्लियरली राइट. सो दिस विल ट्राई टू मेक इन द टुडे सेशन इटसेल्फ. वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस वन क्वेश्चन. आई वॉन्ट बी टीचिंग यू एनीथिंग ठीक है. विदाउट दैट यू हैव टू राइट वन एसे सो दैट यू केम आउट दैट केम आउट ऑफ द जोन ऑफ यू नो फियर ऑफ एसे राइटिंग ठीक है. आज आप बिना सीखे लिखिए. सी वॉट आर द स्ट्रगल्स यू आर फेसिंग. From tomorrow onwards, we'll be starting our session. And as you all know, I don't know how many of you know me. I think almost everyone, right? जो मुझसे पहली बार मिल रहा है वो कितने लोग हैं ठीक है. For those who don't know me, my pattern of, you know, teaching is very different. So I generally go by the worksheets, right? In every lecture, we will be learning a small part of it. You'll be practicing that much only. Then in next lecture, we'll be practicing that much only. And at the end of the sessions, we'll be combining each one of them to write a decent essay, ठीक है. मैं आपको अपने स्टूडेंट्स की कॉपी दिखाऊंगा. यू विल बी लाइक अमेज्ड एंड इट व्हेन यू विल बी यू नो गोइंग थ्रू द लेक्चर्स आपको एक चीज रियलाइज हो जाएगी दैट एसे राइटिंग इज द सिंपलेस्ट थिंग विच यू कैन यू नो इंप्लीमेंट इन योर प्रिपरेशन. आरओई भी ज्यादा है. वेरी इजी टू डू बिकॉज यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द 2 to 5% ऑफ द टोटल कंटेंट गिवन. आई एम मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंस. ओके नाउ अपार्ट फ्रॉम इंपॉर्टेंस ही मी टेलिंग द इंपॉर्टेंस इज समथिंग विच विल हेल्प यू बिकॉज क्योंकि अगर आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता ना यू वॉन्ट बी स्पेंडिंग दिस मच ऑफ टाइम ऑन एसे राइटिंग. लेट मी टेल यू बहुत कम टाइम देना है. आर ओआई बहुत ज़्यादा है ना. सी इफ यू वॉन्ट टू क्लियर द एग्जाम यूपीएससी मेन्स वॉट आर द 3 things विच यू हैव टू फोकस अपॉन. 3 E's. फर्स्ट इज योर एसे. सेकेंड इज योर एथिक्स. थर्ड इज योर इलेक्टिव और ऑप्शनल. This will create the difference, right? And what we will do in the essay ka session, we will try to take a decent lead in the essay writing. I'm promising you at least 125 marks. You can reach easily until 145 marks if you are, you know, practicing enough. ठीक है? कैसे करेंगे वो आपको पता जाएगा कल की क्लास से. You will get to know how we will be doing it. Okay. Before we move ahead, general exercise which I do before starting any course. टेल मी वेन यू आर राइट. अब ध्यान से सुनना नहीं तो यू वॉन्ट बी एबल टू लर्न. वेन यू आर ट्राइंग टू एलिमिनेट अ प्रॉब्लम वी शुड नो इट फर्स्ट राइट. माई बेसिक फिलोसफी आफ्टर बिफोर एवरी यू नो आई मीन न्यू कोर्स आई टेल दिस. अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए यू शुड नो द प्रॉब्लम फर्स्ट. नाउ इन ऑर्डर टू रियलाइज द प्रॉब्लम इन एसे राइटिंग वी शुड नो इट. Now you guys tell me what are the pain points while we are trying to do the essay writing. क्या क्या दिक्कत आती है एक एक करके सोच लो आराम से बताओ मेरे को. Sorry. Flow of an essay. He is saying the first thing is flow of an essay. Then understanding the topic. Can I say this as brainstorming in the topic, that opening the topic? Ek, for example, in essay, if I'm talking, if there is a word of death in the essay, does that mean the actual death? It can be something end to a process. It can be a declining phase also. It can have various meanings, right? So how to brainstorm on those different keywords given in the essay? Essay aapka GS ki tarah plain nahi hota. It can have various meanings. For example, there was an essay in, I forgot the year, poets are the unacknowledged legislators of the world. Poets are the unacknowledged legislators of the world. Now, if you're defining the meaning of the poet with just the, you know, word poet, you won't be able to write the good essay. Poet can be various things in that particular essay. For example, in economy, there are various bodies. For example, FICCI hai aapka, there are various bodies, there are various reports. Who are suggesting something to the government. So those can be termed as poets in the economical arena. So in essay, we should be very, you know, focused upon driving out the various meanings of the given keywords in the essay. So this is also a pain point. Let me tell you one thing again. This is the cakewalk for you. The way which we will, you know, learning the essay writing. Sabse easy kaam aapke liye yahi hoga, and this is the most difficult thing for many to do. I will give you a rule. That you have to follow this, and this, and that is how you have to open the essay. Okay, so we will learn this also. So I can term it as brainstorming.
टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट अदर पेन पॉइंट्स. जिसने नहीं लिखा वो तो बता ही नहीं सकता, बट लेट्स से इफ यू आर नॉट राइटिंग द एसे, सो मे बी यू मे बी फीलिंग यू नो सम हिंड्रेंसेज और मे बी सम इशूज, या आप क्यों नहीं लिख पा रहे हो, तो टेल मी दैट. रिपीटेशन ऑफ कंटेंट, सो शी सेइंग रिपीटेशन ऑफ कंटेंट इज देयर वाइल एसे राइटिंग. If I want to rephrase it, what she means that she is not able to write the sufficient content, you know, comprehensive content, the diverse content while writing the essay. Ho kya raha hai? In essay, how many words you have to write finally? 1000 to 1200. That's the directive given by the UPSC. Kitne word likhne hote hain? 1000 to 1200. Don't worry. In each of these pain points, we will have a different lecture. ठीक है? Right now, we are understanding the pain points in essay writing. It is very important, right? So that we can decode the essay writing. है ना? Ultimately, I've already told you, I know the language of 2 + 2 = 4. ठीक है? I don't understand much philosophical and all those languages. So that is what I will try to make in front of you. While writing the essay, after every paragraph, you would know इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद क्या लिखना है. आप blank नहीं होंगे, right? So the pain point is repetition of the content, that you are not able to write the sufficient content. You are not able to make your essay diverse. देन अच्छा, इसके साथ साथ कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है, सर वी हैव मोर कंटेंट देन वॉट वी हैव टू राइट, राइट? मैनी ऑफ यू मे फेस दैट प्रॉब्लम, वी विल ट्राई टू अड्रेस दैट ऑल्सो. एनी अदर प्रॉब्लम? सॉरी, स्टार्टिंग ऑफ एसे, सो शी जनरली यू नो वॉट शी इज ट्राइंग टू से इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एन एसे, दैट हाउ वी कैन राइट द इंट्रोडक्शन, वॉट आर द वेरियस वेज टू राइट द इंट्रोडक्शन, हाउ टॉपर हैज डन इन द पास्ट, कितना लंबा होना चाहिए इंट्रोडक्शन, वॉट वी हैव टू इंक्लूड इन द इंट्रोडक्शन, इज इंट्रोडक्शन इज समथिंग वी शुड इंक्लूड द स्टोरीज डेटा और वॉट, right? So up now you people may not know the varieties of, you know, in which we can write the introduction. So we will be seeing how, you know, there are 6 or 7 different types of methods which we can write the introduction. Method 1, method 2, method 3, method 4, method 5, method 6. Now you can use any one of them. Start with the method 1. If you are not getting anything, go to method 2, then method 3, then method 4, right? So that is how we will look into the introduction writing. Kitna lamba hona chahiye, then what is the linking paragraph, then how we have to proceed to the body. That we will see in the introduction ka lecture. So writing introduction is the another pain point. Then in GS he has mentioned the most critical and the, you know what he is saying, sir and ma'am, he is saying, sir, in GS we clearly know what parts we have to address in the question, right? We have done the decoding of the question in Brahmas. I hope you people remember, right? So in that we can figure out that what are the different parts we have to address in the answer writing in GS. But in essay, do we know that? That is the pain point. And that is what I call as components of essay. For example, let me tell you a topic. Just write down a topic. Just for an example, write down a topic. We will revisit this topic, right? New woman in India is a myth. New woman in India is a myth. अभी घबराना नहीं है किसी को, आज की क्लास में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना तो भी दिक्कत नहीं है. लेक्चर 0 है, 1 नहीं है, ठीक है? लेक्चर 1 में नहीं समझ में आया देन दिक्कत है, मुझसे आके मिलना. अभी वी आर जस्ट प्लेइंग विद द थिंग्स, है ना? वी आर गेटिंग आवर सेल्फ कंफर्टेबल इन द this particular essay writing, right? So that is my agenda. Okay, what we wrote, new woman in India is a myth. Just to make one dimension clear of it, new woman is nothing but, you know, you will compare it with the old woman. Old, in the old era, what used to be done? Women were not getting education, women were used to do the parda, women not getting the, you know, inheritance rights, and many other issues were there. But when we talk about new women, we talk about women working, women, you know, getting the wage equality, women getting some inheritance rights also, women getting some access to assets also, women is getting respect also, and we are shedding away the tag of patriarchal society also. That is what we mean the new woman. So essay ka topic is trying to say ki achieving the idea of new woman in India is a myth. Now what could be the different not dimensions, don't tell me social ye ho sakta hai, political ye ho sakta hai, economical, that is what I don't need. What I'm trying to say, what are the different parts of this essay you will address? Kya parts aap address karenge?
will you only write as per the demand of the topic ki new woman in India is a myth? No. You will write the antithesis also that examiner, new woman in India is a myth is not always true. There is some silver lining also. So in first component, you will try to address the topic. In second component, you will negate the topic. Now, is it all? Is it all? No. In third component, maybe you are asked to write the contemporary relevance. Maybe you are asked to write the way forward, that how you will improve the situation or what are the various ways which we should adopt in order to ensure new woman is met. The concept of new woman is met. Then is it done? No. You may write the government measures also, since the topic is GS theme based. That is what all we see. Abhi kuch mat likhiye, it is not at all required. We will see it very systematically. I will give you a list of tools. Like aapko topic dekhke, you will be very comfortable in order to decode the components of the topic. And this is the very first lecture I take. And this is something which is not available anywhere in essay writing. And this is something which is very important. Try to understand one thing, that if you are not able to write all the components of the essay was having, let's say, first thing was validation. Second thing was negation, that you will negate the topic if it can be done, right? Then third thing is you will tell the ki how we can achieve the ideology of new woman. So way forward kind of thing. Fourth is you are telling the contemporary relevance. Or fifth is you are telling the, let's say, government initiatives for this topic. Now let me tell you, if you are missing this second component of negation, you're not telling the examiner that, examiner, we have done sufficient things which show that new woman in India is not all a myth. Pura nahi hai. Although we haven't achieved it completely, but aisa nahi hai ki we haven't done anything. I told you in the data wala class also, right? That new woman, for example, woman literacy rate, we have improved, right? Since independence to the current era. Same in the woman in parliament also, 4% to 14%. So it is not always ki we haven't done anything. So we will show that also. Now if you are missing this part in the exam, because nobody has taught you how to take out the components of an essay, what will happen? Same GS ka question ka logic applies. You will end up losing these 25% marks in the exam. If the essay is being evaluated out of, kitne mein hota hai? 125. 25% of the 125 marks, examiner will deduct completely. Because you haven't addressed that important component of the essay. So this is something which is not available anywhere, and this is something which I consider the most important part, because aap soch ke dekhiye, if you know the components of an essay, this will never a hurdle for you, that you are not able to bring the sufficient content or the diversity of an essay. This will be automatically tackled if you know the parts or the components of an essay. We'll see everything in the today's class, please do not worry. Theek hai, tham ke baitho bas. Tell me another pain point of essay writing. Tell me. Philosophical essay. एक मिनट सर, आते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? What is the next pain point? कौन बोल रहा है? Philosophical essay. सर, one promise. What's your good name, sir? Balaji. So Balaji is saying he is not comfortable in writing the philosophical essay. Let me promise you, Balaji, one thing very clearly in this class in front of everyone. After my lectures are done, you will say me, sir, I am more comfortable in philosophical essays than the GS theme based essay. Theek hai. That is my promise to you. Because philosophical essays mein na, the diversity is more. If I am asking you the topic on women, you have to limit yourself to the women ka topic. In philosophical essay, if I am giving you any topic, you can address any dimension in the topic. Bring economy, bring polity, bring anything. So philosophical essay is much easier to write, let me tell you. And I will show you, right? I have done the promise to the Balaji. You will all see that philosophical essay writing is more simpler than the GS theme based essay. Theek hai? Sir, my entire lecture series na is built upon the topper's copies only. This entire 7 to 8 lectures, we will be seeing the topper's copies only. So I will show you that they are not using any sophisticated language. In philosophical essays, they are using, there is a myth that, sir, in philosophical essays, we have to write the philosophy. How many of you have heard that myth? He is the one. Sir, let me tell you, in philosophical essays, if you are writing the philosophy, you won't get any marks. This is so true, right?
सो फिलोसॉफिकल एसेज कैसे लिखने हैं, हाउ वी हैव टू डिकोड दोज एसेज, आई विल शो यू द टॉपर्स कॉपीज, द एसेज हैव द सेम जीएस का कंटेंट बट दैट कंटेंट विल बी एड्रेसिंग द कीवर्ड्स ऑफ द एसे. ठीक है, इन ब्रेन स्टॉर्मिंग का सेशन विल एड्रेस एवरीथिंग, डू नॉट वरी अबाउट इट. राइट, टेल मी व्हाट आर द अदर पेन पॉइंट्स ऑनलाइन पीपल, यू पीपल टेल मी व्हाट आर द अदर पेन पॉइंट्स. सफिशियंट कंटेंट, करेक्टली इंटरप्रेटिंग द एसेंस ऑफ द टॉपिक, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द क्वेश्चन. व्हाट आर द अदर पेन पॉइंट्स, अच्छा शी इज टॉकिंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, दैट इज द मोस्ट ईजिएस्ट पार्ट. इन द लास्ट लेक्चर ना आई जनरली टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट इन द लास्ट 20 मिनट्स. राइट नाउ वॉट यू विल बी फोकसिंग अपॉन इज टू राइट अ गुड एसे. राइट, आई विल गिव यू अ रूल फॉर द टाइम मैनेजमेंट, यू हैव टू फॉलो दैट रूल, वेरी प्रैक्टिकल एंड दैट इज वॉट यू हैव टू फॉलो, सो डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है, इन एसे ना, अच्छा टेल मी इन जीएस इन 3 आवर्स हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव टू राइट टोटल. हाँ कैलकुलेट करो, जीएस के एक पेपर में हाउ मेनी वर्ड्स, जीएस 1 में हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव टू राइट इन टोटल. एग्रीड, 4000, 1500 प्लस, सॉरी कितना कितना होता है, 1500 एंड 2500, सो इट इज ऑलमोस्ट 4000. इन ऐसे हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव टू राइट, 1200 प्लस 1200 मैक्सिमम 2400. ठीक है, सो ऑन एन एवरेज 2000 टू 2400 वर्ड्स. डोंट यू थिंक यू हैव एक्स्ट्रा टाइम हियर, वी विल डिसाइड हाउ टू यूज दैट टाइम, वेयर टू यूज दैट टाइम, प्रेजेंटेशन में करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में करना है, पहले करना है, बाद में करना है, इन द लास्ट लेक्चर. डू नॉट वरी एट ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, लेट्स ट्राई टू राइट द गुड ऐसे, देन वी विल टेक केयर ऑफ द टाइम मैनेजमेंट वेरी स्मूथली. बहुत आसान काम है वो ऐसे में, स्पेशली दिस नॉट जी एस, दिस ऐसे. राइट, यू हैव प्रैक्टिस्ड एटलीस्ट 20 ऐसे, टाइम मैनेजमेंट द ईजिएस्ट थिंग विच यू कैन डू. ओके, सो 7th पेन पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट. देन सॉरी कोटेशन बेस्ड, दैट इज फिलोसफिकल ऐसे ओनली. राइट, कंक्लूजन कोटेशन बेस्ड ऑलमोस्ट. सी व्हेन वी टॉक अबाउट फिलोसफिकल ऐसे ना, देर आर टू कैटेगरीज, फर्स्ट इज कोटेशन और सेकंड इज एथिक्स, विल इंक्लूड सम हॉनेस्टी और समथिंग एथिक्स का कीवर्ड्स, एंड सेकंड फर्स्ट इज कोटेशन. सो वो सब कैटेगराइजेशन होता है, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस. राइट, वी विल डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग सच अ फैशन कि ऐसे कुछ भी आ जाए इन फिलोसफिकल ऐसे, वी विल बी एबल टू ओपन द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द ऐसे. ठीक है, और लास्ट इज कंक्लूजन. ठीक है, सो इन ऐसे स्पेशली इन दिस यू नो ऐसे राइटिंग, इन जीएस कंक्लूजन वे फॉरवर्ड, यू मे समटाइम्स मिक्स देम. राइट, यू मे समटाइम राइट वन ऑफ देम, यू मे समटाइम राइट बोथ ऑफ देम. इन ऐसे इट इज वेरी क्लियर, कंक्लूजन इज वे 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 डिफरेंट देन द वे फॉरवर्ड, इट हैज़ टू बी एड्रेस सेपरेटली. वी विल टॉक, वी विल गिव अ डेडिकेटेड लेक्चर टू दिस, बिकॉज सी समझिए, एक चीज समझिए, वी आर स्टार्टिंग आवर ऐसे, वी आर एंडिंग आवर ऐसे. स्टार्ट एंड एंड ऑफ एन ऐसे शुड बी नो आई कैचिंग. सो वॉट वी विल बी डूइंग इज, वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू वेराइटीज ऑफ टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, है ना, कि हाउ वी हैव टू बाइंड अप आवर ऐसे सो दैट आवर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन सीम्स एज इफ वी हैव बाइंडेड अप द एंटायर ऐसे. ठीक है, दैट इज वॉट वी विल लर्न वेरी प्रैक्टिकली इन द क्लास. ओके, एनी अदर पेन पॉइंट, अभी सबसे इंपॉर्टेंट तो आया ही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल. सो ही इज टॉकिंग अबाउट द वैल्यू एडिशन इन द ऐसे, बट दैट इज नॉट डिफिकल्ट सर, वी विल टॉक. एनीथिंग एल्स विच इज यू नो वेरी क्रिटिकल इन ऐसे राइटिंग, ट्रांजिशनिंग विल कम इन द फ्लो. सो वेन वी टॉक अबाउट फ्लो, फ्लो इज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज. इंट्रोडक्शन से कैसे वी हैव टू ट्रांजिशन इन द बॉडी, नाउ विद इन बॉडी फ्रॉम वन डायमेंशन टू अनदर डायमेंशन, फ्रॉम फर्स्ट कंपोनेंट टू सेकंड कंपोनेंट, हाउ वी हैव टू ट्रांजिशन वेरी स्मूथली, दैट वी विल टॉक इन द फ्लो का लेक्चर. ओके, डोंट वरी. एनीथिंग एल्स, एनी अदर वेरी इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट, नॉट गेटिंग डेविटेड फ्रॉम द टॉपिक वी विल डिस्कस इन द ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला पार्ट, इट इज समथिंग यू नो अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, इट विल कम हेयर. राइट, selecting the topic, I think that is not an issue. If you practice sufficiently, na, that will not an issue. Just wait till the end ka lecture. Otherwise, we will talk about that in the last lecture, selecting the topic. Anything else which is very critical in essay writing? Nahin, we will write the simple language only. Please do not make your essay fancy. आप सोचो ना, प्रैक्टिकली मतलब प्रैक्टिकली सोचो उस चीज़ को. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एन यू नो एग्जामिनर पर्सपेक्टिव, ही शुड अंडरस्टैंड योर ऐसे,
दैट इज़ अ यू नो फाइनल गोल विच यू शुड हैव इन माइंड. नाउ इफ यू आर कंफर्टेबल इन द फैंसी लैंग्वेज प्लीज यूज इट बट डोंट फोर्स इट. योर एसे शुड नॉट लुक फेक इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर. राइट, वी विल सी द टॉपर कॉपीज, दे आर यूजिंग वेरी सिंपल लैंग्वेज बट दे आर पुटिंग देयर पॉइंट्स विद वैलिडेशंस बाय लिंकिंग विद द कीवर्ड ऑफ द टॉपिक. राइट, अभी भी एक पेन पॉइंट मिसिंग है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेल मी, सॉरी, पर्सनल स्टोरी. ठीक है, वो इंट्रोडक्शन में बात कर लेंगे उस पर हम लोग, बट पेन पॉइंट आई एम आस्किंग व्हाइल यू आर राइटिंग ऐसे. नहीं समझ में आ रहा है, आज लिखोगे तब समझ में आएगा फिर. व्हाइल यू आर राइटिंग एन ऐसे ना, एड्रेसिंग डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द ऐसे इज अ पेन पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, वेदर यू कैन एड्रेस द लेट्स से पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंट, IR, philosophical, what all dimensions you can address while addressing a single component of an essay. Same is true for different components of the essay. Temporal use karna hai. Achha, bahut sare bachchon ne, I think you have done my structuring ka session, right? So you people know the different types of structures. But I mean, in essay ka session also, we will devote a particular dedicated lectures. What we should assign to different components while we are talking about the structures of an essay, dimensions of an essay. ठीक है, so the last pain point in essay writing is dimensions. ठीक है, now how we will be doing it is, first of all in lecture 1 we will be dealing with the components of an essay. ठीक है, that you should know how you are opening up your essay in different sub parts like you do in your GS question. This is very important. ठीक है, ये बहुत missing है इसमें. You people may face some sort of difficulty also, but I will try to address with a thumb rule. ठीक है, okay. Then in lecture 2 we will be looking into the introduction of essay writing. Right, in lecture 3 we will be talking upon the dimensions of essay writing. In lecture 4 we will be talking about the flow of an essay. Then in lecture 5, see 4 or 5 I sometimes switch depending on the aap logo ka caliber. If you people are not able to grasp the things, what I will do, I will shift the brainstorming to the lecture 4 and flow through the lecture. So lecture 4 and 5 I generally switch brainstorming, where we will see how we have to open different essay ka topics. Right, we will practice at least 4 or 5 topics in the class itself, hai na. Then lecture 6 will be on conclusion and time management. Then lecture 7 and lecture 8 will be purely GS theme based essay. GS themes you will be studying, है ना. Now before we come to that GS themes, let me assign you a homework right now in the very first class itself. Done. Broad roadmap. Okay. Tell me. See, I am trying to discuss all the GS themes with you so that you are well prepared in advance. In essay, I want to be teaching you entire ancient history, medieval history, modern history, or maybe polity or anything. Right? We will be just trying to see how we can use the same static knowledge while writing the essay. That is what I will aim for. Now, there are some important themes like education, health, infrastructure, climate change, agriculture, and whatnot. Right? Around 15 or 20 themes we will discuss in the class. Rest you have to prepare by your own. I am making some sort of sense. Okay. What we will do, we will go from GS 1, 2, 3, 4 and we will try to see the themes which we have to prepare beforehand. This is very important if you want to write the good essay. For example, this year also, the second part was containing a GS theme based essay. Right? So, agar aapko pata hai, or if you have prepared that well in advance, you will get the advantage from others. So, we will be preparing at least 20 themes well in advance. You choose your 20 themes, 15 or 14 I will discuss in the class, rest 6 you have to prepare yourself. Theek hai? First, let us discuss the important themes which you have to look forward to. Okay.
फ्रॉम GS1 टेल मी व्हाट आर द सिलेबस पॉइंट्स हिस्ट्री. सो फ्रॉम हिस्ट्री व्हाट व्हाट थीम वी कैन हैव सिविलाइजेशन राइट. सिविलाइजेशंस देर इज नॉट देन यू कैन प्रिपेयर द ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम इंडियन सोसाइटी. आई एम जस्ट डिस्कसिंग द मेजर मेजर थीम्स बेस्ड अपॉन द पी वाई क्यूज जो यूपीएससी ने ऑलरेडी यूपीएससी इज आस्क्ड राइट. सो प्लीज ट्राई टू प्रिपेयर एनी 20 ऑफ देम. नाउ आई वॉज टॉकिंग अबाउट द एसे का नोट्स. इफ यू वॉन्ट टू गेट इट यू कैन गेट इट फ्रॉम द ऑफिस. द 15 और 16 थीम्स आर गिवन एट द बैक ऑफ दैट एसे का नोट्स राइट. सो दैट यू आर रीडिंग दैम क्वाइट नो कम एनी बडी हैज ब्रॉट दैट गिव मी सर. ओके इसमें दिया हुआ है. ठीक है. सिविलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन सो दिस इज द एसे का बुक आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है. ओके टेल मी फ्रॉम GS1 एनी अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ही बताओगे. वुमेन एम्पावरमेंट कम इन सोशल जस्टिस इन GS1 एनी अदर पॉइंट. क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंट में कर लेंगे. ठीक है आप लिख लो इसमें लिख लो क्लाइमेट चेंज. यू वॉन्ट फाइंड एनीथिंग एल्स अदर देन दीज थ्री टॉपिक्स इन GS1. देन फ्रॉम पॉलिटी एंड गवर्नेंस यू हैव टू डू द चैप्टर ऑफ डेमोक्रेसी फेडरलिज्म जुडिशरी. नाउ वेन वी टॉक अबाउट मीडिया मीडिया फॉल्स अंडर गवर्नेंस ऑल्सो सोशल जस्टिस ऑल्सो इंटरनल सिक्योरिटी ऑल्सो बहुत सारे टॉपिक्स में मीडिया फॉल करता है. सो वील प्रिपेयर मीडिया ऑल्सो पोस्ट दैट. बताइए इंडियन पॉलिटी में और कुछ तो नहीं रह गया. ठीक है. देन वी हैव गवर्नेंस गुड गवर्नेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देन इन सोशल जस्टिस वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक वुमेन. We have health, we have education. Three very important topics. No one will miss these topics at all. Reoccurring hai and important hai. Women, health and education. Post these three topics, what are the other topics? Sorry. You can talk about social empowerment as a whole, but you know, that is very discrete topic. So, usse hum log jaane dete hain. These three are very, you know, specific topics. Women, health and education. Anything else? Any other suggestion? माइनॉरिटी सेक्शन दैट इज वॉट आई एम सेइंग सोशल एम्पावरमेंट यू कैन कवर इट यू नो. अब उसमें माइनॉरिटीज में डिफरेंट कैटेगरीज हैं एससी एसटी एंड ऑल दोस थिंग्स. इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट माइनॉरिटीज बट आई विल नॉट गिव इट 5-star रेटिंग राइट. एग्रीकल्चर विल कम इन इकोनॉमी. सो शी इज सजेस्टिंग एग्रीकल्चर इट इज इट फॉल्स इन इकोनॉमी. अच्छा पहले ये GS2 खत्म कर लेते हैं. GS2 स्टार्ट फ्रॉम हेयर. लेट्स कंप्लीट GS2. Corruption, very good. Corruption. Then we have IR. IR में सबसे important is multilateralism. ठीक है. Multilateralism. Maybe bipolarity. How the world is switching from bipolar world to multilateral world. ठीक है. So that is what you can prepare in advance. Then foreign policy is very broad. I will not suggest it. Sorry. वॉर एंड क्राइसिस. ओके ही इज सजेस्टिंग वॉर एंड क्राइसिस अ वेरी हॉट टॉपिक एज पर द करंट टाइम्स है ना. गोइंग एट मल्टीपल प्लेसेस यूक्रेन है आपका. देन वी हैव यू नो वेरियस कूप्स. देन वी हैव वेरियस यू नो इन इजराइल पैलेस्टीन इशू. सो हॉट है. एग्रीकल्चर के पास टेल मी इन GS3 वॉट आर द अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सॉरी नहीं इन इकोनॉमी वॉट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. एग्रीकल्चर हो गया हमारा. देन इंफ्रास्ट्रक्चर. Then we have energy. In energy also we have renewable energy. Very good. So she is saying poverty. It will come in the social justice only right here. Poverty. I've added one more. Poverty. Good topic. This year for this year only you can prepare the topic hunger also. Hai na? Hunger and food security. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी. देन आफ्टर इकोनॉमी कम्स द एनवायरमेंट.
सो फॉर एनवायरमेंट वी हैव रिटन क्लाइमेट चेंज, दैट इज मोर देन सफिशियंट, राइट. डिजास्टर्स यू कैन प्रिपेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट. बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर डिजास्टर का एज अ यू नो पर्टिकुलर पूरा जीएस का सिलेबस, यू वॉन्ट हैव, यू नीड नॉट टू प्रिपेयर इट फ्रॉम द ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज डन. पोस्ट दिस यू हैव इंटरनल सिक्योरिटी, राइट. सो एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, देन वी हैव साइबर सिक्योरिटी, देन वी हैव सोशल मीडिया, देन इन साइंस एंड टेक, यू आर नॉट एबल टू सी इट, साइंस एंड टेक, एआई, राइट, एआई, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देन इन दिस आई विल सजेस्ट वन मोर टॉपिक दैट फॉल्स इन द इंटरनल सिक्योरिटी ऑल्सो एंड साइंस एंड टेक ऑल्सो, दैट इज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ऑल्दो एआई इज अ पार्ट ऑफ इट, बट यू हैव टू प्रिपेयर इट सेपरेटली, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज. आई थिंक कुछ और बचा नहीं है, वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल, लेट मी सी, इंफ्रास्ट्रक्चर मीडिया, ठीक है, सॉरी सर, सेक्युलरिज्म, रीजनलिज्म और ये सारे बहुत स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं, है ना, बहुत नैरो हैं, सो यू कैन कवर इट फ्रॉम योर जीएस ओनली, सेपरेटली प्रिपेयर नहीं करना, सेपरेटली यू टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स. यूथ, अच्छा इधर एक टॉपिक भी मिस्ड, चाइल्ड एंड यूथ. See that whether you have written all the topics or not, okay? You have to prepare them separately. I think almost 17-18 topics are given in your essay ka book, 19 topics are there, right? Rest you have to prepare from a GS. Kuch isme se we will discuss in the class itself, around 15 themes, hai na? 15 we will discuss in the class. You can do, no issues. Aise to entire you know sub point of your she is suggesting disabled people, so entire sub topics of your pura GS ka syllabus can come, but we are just talking about the topics based upon the PYQs, majorly upon the PYQs, or else if it is very much in the news, for example we have included war and crisis here, then hunger and food security, then emerging tech, those are very much in news, that's why I have included it. Chota, bahut chota. सब में कवर हो जाएगा वो, आप जीएस से जस्ट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, एवरीथिंग, दिस 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 विल हैव सम सेक्शन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है, डन, लिख लिया. इफ यू हैव ऐसे बुक, यू हैव एटलीस्ट नोट्स ऑफ 19 ऑफ दिस टॉपिक्स, रेस्ट यू हैव टू प्रिपेयर विद टाइम, हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, इतना करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है ना, 19 टॉपिक्स वी हैव गिवन यू, हाँ, दीज टू right now. Now based upon the news, for example if UNSC ka reforms is in news, you have to prepare it, that will go on ad hoc basis, abhi nahin, right now just focus upon these topics, level hota hai na ek preparation ka, right now achieve the level, mid level, baad mein aap usko accelerate kijiye, ki agar aur kuch news mein hai, you are preparing separately, baad mein, at least this is MVP, minimum viable product, MVP, iske baad jo karna hai aap kariye, theek hai, chalo ek minute do. So let me make you aware about some fundamentals of the course. In course we are having lectures and worksheets. After every lecture you will be getting one worksheet, including today's class also. For example, today we will be doing the worksheet 0, in which I am not teaching you anything whatsoever. You have to write an essay in the class, then you have to leave the class. That is the rule, right? In further classes I will be giving you the worksheet. You have to go home, you have to do the worksheet, you have to come back to the class. If you are submitting it, it will be evaluated as well. Okay? But if you are not submitting it, it won't be evaluated. But let me tell you, if you are really concerned about your exam, please take these classes very seriously. Okay? Mere liye nahi, apne liye karo. But please take these classes very seriously. Achha, just a curious question from my side.
हाउ मेनी ऑफ यू अटेंडेड एनी ऐसे राइटिंग सेशन इन द पास्ट? ऐसे राइटिंग सेशन इन द पास्ट, 1, 2, 3, ठीक है चलो. सो हाउ मेनी लेक्चर्स विल बी देयर? देयर विल बी अराउंड 7 to 8 लेक्चर्स मैक्सिमम. ठीक है, हाउ यू विल बी नोटिफाइड अबाउट दोज लेक्चर्स? ऑन द टेलीग्राम, इफ फॉर द ब्रह्मास पीपल ऑन द टेलीग्राम, आई हैव गिवन वन डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल का लिंक. कैन यू प्लीज चेक इट नाउ? आई हैव रीपोस्टेड इट, प्लीज चेक. सो ऑन टेलीग्राम देर इज अ डेडिकेटेड चैनल का लिंक फॉर द ब्रह्मास पीपल. फॉर द पीपल हु आर वॉचिंग इट ऑनलाइन लाइव और यू आर यू नो सेपरेटली रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स, वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू चेक योर वेबसाइट का कोर्स का डिस्क्रिप्शन. अंडर दैट डिस्क्रिप्शन और मे बी अंडर द व्यू डिटेल्स का ऑप्शन, जस्ट डू नथिंग, डू गो टू द सब्सक्राइब्ड सब्सक्रिप्शन, माई सब्सक्रिप्शन. अंडर दैट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब्ड ऑप्शन बिसाइड योर असाइड योर कोर्स, दे विल फाइंड द चैनल का लिंक. वर्किंग राइट, जस्ट ज्वाइन दिस. आई विल बी अनाउंसिंग योर क्लास इन दैट चैनल ओनली वेन एवर वी आर हैविंग. क्लास टाइमिंग विल बी फिक्सड, इट विल बी एट 11:30. Right, almost next 2 or 3 classes will be consecutive. Then I have to give you some time to study something. For example, if I will be having dimension ka class, right, I have to give you some times to read the content so that you are able to generate the dimension. So I will announce that in the channel itself. Be very active, unmute the channel, pin the channel, do not miss any class. Theek hai, if you want to do it from tomorrow itself. अगर नहीं करनी तो घर पे बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका कॉल है. बट कर रहे हो तो फिर अच्छे से डेडिकेटली अटेंड दी 7 क्लासेस. लेट मी प्रॉमिस यू डोंट नीड एनीथिंग अदर देन दी 7 or 8 क्लासेस फॉर द ऐसे राइटिंग. इससे ज्यादा आपको कोई भी बता नहीं पाएगा, आप सीख भी नहीं पाओगे. ठीक है, विल ट्राई टू डिकोड इट लाइक एनीथिंग, है ना. सो दैट विल बी द फंडामेंटल्स इन दैट चैनल ओनली, इन दैट चैनल ओनली, टेलीग्राम चैनल. यू विल बी गेटिंग द क्लास टाइमिंग, क्लास डेट्स एंड द कंटेंट ऑल्सो. For example, topper copies, something to refer, for especially for the online people, we'll get that in the channel. Now let me drop 2 PDFs there. Do not go through it. Thoda ruko, abhi nahi. Do not go through the content. Do not go through that paper. Ulta karke rakho usko. अरे सीखना है तो सीखो, अपने से सच बोल के ही सीखता है इंसान, झूठ बोल के नहीं सीख सकता. ओके, सो दिस इज द नोट. नाउ फॉर दिस, हूसोएवर विल बी रेफरिंग टू दीज नोट्स, फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव द बैंडविड्थ. It has the mindset that I need to optimize my preparation. It will help you in optimizing your essay ka preparation. You need not to then follow the scattered notes. You will find the same content of the main GS books, maybe your main content booster, same information hogi, but compiled at the same place. Only anecdote, I think that is the section which is different from your GS ka portion, right? But the information is presented as if you can use it directly in the essay writing. So now one very important thing. You have to just focus upon, you know, maybe 2 to 5% in the content. And when you're referring the GS themes, maximum 20%. For example, let's say you are referring women education, the themes which we discussed, it is given in the last part in the book, right? When you're referring that theme, just 20%. And when you're reading the content, just 2 to 5%. Ab you will not rectify it for sure. Theek hai? Aap yaad nahi karenge. You will read the content as if you are reading the story. There will be various good, you know, stories. For example, यार मैं एक चीज बताता हूँ आपको, समझने की कोशिश करना, आपको difference समझ में आ जाएगा that how your essay का preparation is similar to GS का preparation and how your essay का preparation is different from your GS का preparation. Tell me one thing. Every one of you know about the Ashoka. Every one of you know about the Kalinga का war. Every one of you know that how he gave up the philosophy of war and you know adopted the philosophy of Dhamma. In the after the Kalinga ka war, you people all know that story. Now, can you tell me that will UPSC ask that story directly in the exam in your mains? No, but why
यू हैव रेड इट राइट, बट यू कैन यूज दैट स्टोरी डायरेक्टली इन एसे राइटिंग, मे बी टू स्टार्ट योर एसे और मे बी टू वैलिडेट द एसे का कंपोनेंट और द डायमेंशन. सो दैट इज हाउ योर सेम जीएस का प्रिपरेशन इज यू नो यूज फॉर द एसे राइटिंग. यू हैव टू यूज ऑल दोज स्टोरीज, ऑल दोज एनेक्डोट्स, ऑल दोज स्मॉल स्मॉल इंफॉर्मेशन विच यू इग्नोर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द जीएस. पहली बार में सब पढ़ते हैं राइट, बट सब्सिक्वेंट रीडिंग में सिंस इट इज नॉट समथिंग विच इज एग्जाम ओरिएंटेड वी जनरली इग्नोर इट राइट. सो ऑल दोज स्टोरीज, ऑल दोज एनेक्डोट्स आर अवेलेबल इन योर एसे का नोट्स, है ना. सेम जीएस का कंटेंट है बट इन द एसे राइटिंग फॉर्मेट. आई होप यू पीपल गॉट द एसेंस, है ना. ठीक है, सो लेक्चर का अप्रोच. इन द लेक्चर वी विल बी टॉकिंग मेजरली अपॉन द स्ट्रक्चरिंग. आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू यूज योर जीएस का सिलेबस. हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू डिलीवर एनीथिंग डिफरेंट देन योर जीएस का सिलेबस इन एसे राइटिंग? इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम मी, यू आर वेरी मच रॉन्ग. इन एसे वी हैव टू यूज द सेम कंटेंट ऑफ जीएस वाइल राइटिंग द एसेस. वी हैव टू यूज द सेम स्टोरी ऑफ हिटलर, वी हैव टू यूज द सेम स्टोरी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, वी हैव टू यूज द सेम एसेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, वी हैव टू यूज द सेम एसेंस ऑफ यू नो द ट्रीटीज विच हैपेंड इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन राइट. वी हैव टू यूज द सेम नेम्स, वी हैव टू यूज द सेम स्टोरीज बट इन द एसे राइटिंग फॉर्मेट. द ओनली डिफरेंस राइट. सो कंटेंट विल नॉट वेरी इन एसे राइटिंग. यू हैव टू यूज द सेम जीएस का कंटेंट बट आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू यूज दैट कंटेंट वाइल राइटिंग द एसे. हाउ यू कैन यूज द सेम सिलेबस फर्स्ट इन ऑर्डर टू डेवलप द एनेक्डोट्स. पहला एनेक्डोट्स और द स्टोरीज और द वैलिडेशन और द एग्जाम्पल्स. हाउ यू कैन यूज द सेम कंटेंट टू फैच आउट दीज थिंग्स. एंड सेकेंड, हाउ यू कैन यूज द सेम कंटेंट इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई योर एसे और इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द एसे. ठीक है, सो सिलेबस यूज वी विल सी हाउ वी कैन यूज इट एज अ फॉर्डर एंड फॉर द डायमेंशंस. सो फॉर एग्जाम्पल इन लेक्चर वन वी विल सी हाउ वी कैन यूज द हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री राइट, इन ऑर्डर टू फेच द डिफरेंट एनेक्डोट्स एंड द डायमेंशन ऑफ एसे राइटिंग. ठीक है, देन वी विल बी डिस्कसिंग इन लेक्चर वन एंड टू आई थिंक वन थीम, देन रेस्ट ऑफ द थीम्स वी विल डिस्कस एट द लास्ट टू लेक्चर्स. In first two lectures, I just want to give you the essence of the themes so that you can prepare all those themes beforehand until we reach the last two lectures. आपको पढ़ के आना है, we'll be revising it in the class. ठीक है, चलो. So this plan we have already discussed. Okay, this I have already catered in between. For philosophical essays, if you are in a myth that you need any content which is different or which is you know from the philosophical perspective, you will end up losing your marks. You have to use the same GS का content in such a fashion that you have to address the different keywords of your essay, of the philosophical essay through the GS का content. ठीक है, we'll see in the class. Tension नहीं लेनी है, so please do not expect that कुछ अलग से निकाल के लाएंगे, कोई कबूतर नहीं निकालूंगा, है ना. सेम, you have to use the same GS का content for philosophical essay also. That is what we will see in the class. आज एक example भी हम लोग discuss करेंगे उस पर. Okay, you have turned the page, right? I've dropped one PDF in your channel for this topic. Don't open it right now. What you will do is, we'll just try to brainstorm. Kuch bhi dimaag nahi chal raha, koi dikkat nahi hai. We are trying to see the difficulties we are facing. So at end of the course, you know what is the difference from now and then. Please try to understand the topic. Try to think what you will write. I'm giving you 3 to 4 minutes. Try to think what you will write. Just try to scribble, chota chota. Kya likhoge aap? Likhna nahi hai. Just do the brainstorming right now. At the back side of the page, I've dropped on PDF of this. Do not open it right now. Try to brainstorm for next 3 to 4 minutes. Then I will show you what we need actually in essay writing. आकाश, फॉर ब्रह्मास पीपल ऐसे बुक इज सेपरेट. आई मीन दैट विल बी आई थिंक एट 50% ऑफ, सो यू कैन एक्सप्लोर द वेबसाइट और मीट द काउंसलर्स. Do not write, just brainstorm. Write the keywords. है ना, पूरा नहीं लिखना है.
ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म। सेवन से एट लेक्चर्स होंगे अपने, डू नॉट लूज योर फाइटिंग स्पिरिट, डू नॉट मिस द लेक्चर प्लीज़, एंड जो भी वर्कशीट मिल रही है ट्राई टू डू इट बिफोर यू आर कमिंग टू द लेक्चर ऑन टाइम, सॉरी दैट आई विल अनाउंस, डोंट वरी, नहीं अलग अलग रहेगा, आई विल टेक केयर। आई थिंक अभी वी आर हैविंग टू बैचेस राइट ऑफ ब्रह्मास इन दिस क्लास, बैच फाइव, ओके सेवन, ओके सिक्स, फोर, यू मिस्ड योर क्लास राइट, फोर, अच्छा तो ऐसे कि आपने अपने बैच में मिस कर दी होगी ना, क्योंकि फोर तो बहुत बड़ा बैच है। अजिंक्य द टाइम विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर, 1.5 आवर, ऐसे क्लासेज विल बी ऑफ हार्डली 1.5 आवर्स, मैक्सिमम 2 समटाइम्स, लेट्स से डायमेंशन का क्लास लेंथी होगा सो मैक्सिमम 2। डन, कुछ किया नहीं, चल रहा ना दिमाग। आई विल गिव यू अ हिंट, आई विल गिव यू अ हिंट दैट वॉट वी नाउ वी आर गोइंग टू डू इन द क्लासेस ऑफ ऐसे राइटिंग है ना। फर्स्ट थिंग इज यू पीपल शुड नो द इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे राइटिंग, ठीक है, शायद मैनी ऑफ यू मे नॉट बी एबल टू। फर्स्ट थिंग, हाउ मैनी इफ यू आर एबल टू मेक सेंस ऑफ दिस टॉपिक, और इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ओके नाउ दोज हू अंडरस्टूड द टॉपिक टेल मी द मीनिंग, एनी वन ऑफ यू, हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, नहीं बिल्कुल नहीं, पहले ही तैयारी करनी होती है। वॉट शी इज सेइंग, सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड, अभी जिसको भी कंफ्यूजन है ना, वॉट शी इज सेइंग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, नहीं है मीनिंग, आई विल टेल यू व्हाई, आई एम राइटिंग इट ऑन द बोर्ड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर शी इज सेइंग, आई एम सेइंग दिस इज नॉट द टॉपिक का इसेंस और द मीनिंग। सेकेंड इज शी सेइंग वी हैव टू प्रिपेयर वेल इन एडवांस, दैट इज वॉट यू आर सेइंग राइट, दिस इज ऑल्सो नॉट द ऐसे का मीनिंग एट ऑल, एनी अदर मीनिंग, सॉरी, यूज द अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है, सॉरी, एट द राइट टाइम, ओके, सी इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक एज ना, दो एक दोहा है, आई डोंट नो इफ यू आर नॉट फ्रॉम द हिंदी वर्ल्ड यू मे नॉट नो दैट दोहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल में है जाएगी फिर करेगा कब, ठीक है, थोड़ा अलग हो सकता है बट मेरे को ये थोड़ा सेंस है, ये टॉपिक का मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल, मैनी ऑफ यू, थोड़ा सुनो आज स्टोरी चलेगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप समझो बस करना क्या चाहते हैं वो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू डू दैट थिंग राइट। वेन वी वर ड्राफ्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वी वर हैविंग DPSPs इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन, एम आई राइट और रॉन्ग, वी वर हैविंग DPSPs इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सर एंड मैम, इफ कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और यू नो डू इट वेल इन एडवांस, इफ दिस वुड हैव बीन द मीनिंग ऑफ द ऐसे का टॉपिक,
देन वी वुड हैव इन्फोर्स द डीपीएसपीज एट द टाइम ओनली. आर डिड वी इन्फोर्स द डीपीएसपीज? डिड वी मेड देम यू नो बाइंडिंग? नो. वाई? बिकॉज वी नो दैट वी आर नॉट हैविंग दैट फंड्स एंड वी नो दैट द सिचुएशंस विल बी डायनामिक इन फ्यूचर. ठीक है, इवॉल्विंग सिचुएशंस होंगी. सो वॉट वी डिड, वी वेटेड फॉर इट. वी डिड द सेम थिंग, वी डिड यू नो डिड द थिंग्स बाइंडिंग इन फंडामेंटल राइट्स, बट वी अवॉइडेड दैट इन DPSPs because of maybe lack of funds. Hai na? So we waited for the right time. We waited for the time that when sun will be shining, we'll do it. But at that time, sun was not shining. So we waited for the right time in that case. Agreed or not? So aisa nahi hai, is topic ka essence is not that, that jaldi se jaldi kar do. Do it as soon as possible is not the essence of this topic. Theek hai? The essence of this topic is, now please read the topic. Topic is, सी इधर 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 ही पढ़ो, अभी उधर मत जाओ. टाइम टू रिपेयर द रूप, दैट इज टू फिक्स समथिंग, टू ब्रिंग चेंजेस, टू ब्रिंग सम यू नो पॉजिटिव आउटकम्स, दैट इज द मीनिंग. है ना? और कैसे खोलना है वो हम बात करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग में. सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इंडिविजुअल, वर्ल्ड, सब बात करेंगे कैसे फेजेस में खोलना है इस टॉपिक को. राइट नाउ कैन यू सी, टाइम टू रिपेयर द रूफ इज नथिंग बट टू फिक्स समथिंग. And when the sun is shining, this simply means the right time and not the earliest time. ठीक है, आया ना? That was the essence of the topic. Now open this sheet. See, if you will see this topic now, first of all, it is very important for you people to know different parts of the essay ka topic. That if I'm talking about the time to repair the roof when sun is shining, I should know what all different parts I will be addressing in the essay. So the first part is component A. We have to validate, we have to show the examiner with the examples that we have to repair the roof when sun is shining. For example, if you will go through the one of the examples there, is it there? Achha, theek hai, haan. For example, sir and ma'am, if I'm talking about a cancer patient, right? We have to get him diagnosed and treated as and when he's in the stage 1. When we are trying to, when we are getting to know that he's in the stage 1, we have to get it repaired. Personal life example, right? So we have to validate with different sort of examples. Now please try to read the example. First thing is, ancient mein Ashoka. So Ashoka, after the war of Kalinga, he know that now the sun is shining. Now the, you know, it is the right conditions. I have to give up this policy and I have to achieve the policy of Dhamma. That is how he repaired the roof with the policy of Dhamma, and that is why we know the Ashoka. He propagated the policy of Dhamma not only in India but in the other countries also. Second example from the medieval history, Bhakti movement. When the sun was shining, when there were various religious, you know, vices present in the society, the Bhakti movement took place when the sun was shining and it repaired the roof somewhat, right? Then third example from the world history, French Revolution. When sun was shining, when Louis XVI was doing, was taking, you know, irrational decisions, maybe political decisions, maybe economic decisions, then the people raised a protest against Louis XVI, fall of Bastille, right? So that is how the people tried to repair the roof when the sun was shining. Hai na? Sir, I will take your doubts. Let me explain this. Theek hai? Don't worry. From modern history, Raja Ram Mohan Roy, when sun was shining, when he saw, when, how you will link it? See, I'm linking everything with the essay ka topic. So Raja Ram Mohan Roy, he got the modernity from the modern education, modern thoughts and all those things. So that at the time in his mind, the sun was shining. He saw that the time is right now apt to get this vice of sati system eliminated from the society. So he tried to repair the roof when the sun was shining. The ideology of Renaissance, okay, at that time. Okay. Then you can address it from, you know, other examples also. From, for example, woman participation in political sphere. Right now, we are talking about the women rights and all those things. Sun is shining. We are trying to repair the roof with the women ka act recently passed, right? Then we have de-dollarization. You are talking about right now because of the hegemony of
यूएस का डॉलर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द डी डॉलराइजेशन. सन इज शाइनिंग, वी आर ट्राइंग टू रिपेयर द रूफ. देन सोसाइटल, इज सन इज शाइनिंग इन द एरेना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट? वी आर एट द पीक ऑफ आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड, डोंट यू एग्री? सन इज शाइनिंग एंड वी आर ट्राइंग टू रिपेयर द रूफ. हाउ? बाय स्पेंडिंग इन एजुकेशन, हेल्थ, सोशल डेवलपमेंट, स्किल्स, स्टार्टअप्स एंड वॉट, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना? ठीक है, तो दैट इज हाउ यू विल बी लिंकिंग द थिंग्स. नाउ द सेकेंड कंपोनेंट पढ़िए इसका, सेकेंड कंपोनेंट, वॉट इफ यू डोंट रिपेयर रूफ व्हेन सन इज शाइनिंग? कितने लोगों को ये स्ट्राइक किया था दैट यू हैव टू एड्रेस दिस? वेरी गुड, सी दिस इज वॉट यू हैव टू एड्रेस एट द सेकेंड कंपोनेंट. इफ इट इज नॉट स्ट्राइकिंग यू एट येट, इट इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम. वी विल सी इन टुमारोज क्लास हाउ वी हैव टू नेगेट द टॉपिक. That what will be the outcome if we are not repairing the roof? You have to address this also in the essay. You can't miss this component. This is what we will learn in the tomorrow's class. That how we have to take out the different components when you see the essay ka topic. ठीक है? So what if you don't repair roof when sun is shining? So for example, if in agriculture, if you are not repairing the roof, there will be a farmer distress. I have told you in your previous classes, right? Or if you have don't told you, our economy is in terms of employment and in terms of, you know, basic people engaged is majorly dependent on the primary sector. Agreed or not? Theek hai? I have given you the data for the same. Now, if our economy is majorly dependent on that sector and if we are not focusing upon that sector, then obviously the demand will not come from that sector. If demand is not coming out from that sector, the industries will not able to produce more for the economy. If industries are not producing more, we will not be able to reflect that in the GDP of the country. GDP is not reflecting more, then growth will not take more. Agreed? So that is how we have to focus upon the primary sector. So the sun is shining because the majority of the people are there in the agriculture. So we have to avoid that agriculture distress. So if you are not doing it, it will lead to agriculture distress. Hai na? Similarly, in education, if we are, you people may know, right? The expenditure is decreased as per the recent economic survey in the education. Now, if we are decreasing that, it will lead to, again, it will have some challenges towards the demographic dividend, the outcome of the intellectual level of the country, all those things. वहाँ पे issues आएंगे. So we have to address the topic. What if we are not repairing the roof when sun is shining? What will happen? We have to address that. Now the third component. Why do people fail to repair the roof when sun stops shining? Before sun stops shining. So the top major component is trying to address that. Why people are not able to repair the roof? What are the challenges? What are the hindrances they are facing to repair the roof when sun is shining? Na, aisa to nahi hai that we do not want to repair the roof, but there may be some challenges. So we have to address that major component. Don't go for the content right now. I'm just trying to keep the essence in front of you. This is for the essence. We will learn each and everything. Iska content, how we have to reproduce, we will learn that in the class. Hai na? Wo class iska agenda hai. Right now we are understanding the essay and what all are different, you know, components in essay writing. Theek hai? Then contemporary relevance of the essay ka topic. See, if the essay topic is philosophical, that means that topic can, sab log board pe dekho. If the essay ka topic is philosophical, philosophical matlab some quote based essay. Do you agree with me that that quote given in the exam, if it is philosophical essay, that quote can be used to eliminate or reduce the ongoing problems in the contemporary era? So we have to show that to the examiner. Ki examiner, if we are using this essay ka topic, if we are following this topic, we can eliminate these 4-5 problems from the contemporary era. So contemporary relevance of essay ka topic, especially when we are writing in the philosophical essay, is very important. This we will see in the tomorrow's class. Don't worry. Okay? So for example, in climate, child labor, climate change, multilateral institutions, defense ka sector apna, in that area, right now sun is shining and we have to take actions to repair the roof. Hai na? Then component 5. How to ensure that you repair roof when sun is shining? That way forward, it is nothing but a simple way forward written in the essay ka language. Theek hai? So these are the different components of the essay writing. Now, we talked upon the components. I have just highlighted them, right? I haven't taught you how to write them. I have just highlighted them. That these are the components of essay writing. Now, sir and ma'am, if you can see, ab thoda sa attentive honge aap log. If you can see, component 1 before or, was addressing all the, you know, parts or the dimension, was having a dimension in the temporal approach with time. First was from ancient, then from medieval, from world, from modern, then from contemporary era. Agreed or not?
temporal approach. This I wrote from the temporal approach. It is not necessarily that you will address it from the temporal. You can use the other tools which I will be teaching in the dimension ka class. You can see that, right? Now come to the second part. Agriculture, education, health, bio. It is nothing but the sectoral approach. We are addressing the different dimensions by taking up the different sectors. We will see how to generate different sectors in the dimensions ka class. Then component C, it is nothing but the ethics based approach. First, lack of awareness. First thing, the person should be aware that he has to repair the roof. Once, if he is not aware, for example, if you are not aware about the information of essay writing, which I told you right now, if you were not aware, maybe you were not taken it seriously. Hayana. So first thing is awareness. Now, if you are aware, you should be responsible. How you will be responsible? By coming to the classes, doing the essay ka notes, doing the worksheet, and maybe practicing 20 essays. Now, you don't, then maybe you are not, you know, attending the classes or reading the book, or you are not, you have, you know, ended up ki mere ko ab aur effort nahi dene. Why? Because you fear that what if I will fail. And so it is nothing but a ethics theme based approach. Then come to the last part, component E, personal, society, country, world. It is social segmentation, hai na? Don't write anything right now. I'm just trying to show you the diversity in the essay. Different dimensions is being generated to the different approaches. Theek hai? For example, in component 1, either above or we have written the PESTEL also. Political, economical, technological, social. Theek hai? So, we will be learning all these dimension generations ka thing also. Hai na? Theek hai? In the dimensional class. Now, the challenge, other challenge will be how you have to link this dimension with this dimension. How you have to link this dimension with this dimension? How you have to link this dimension with this dimension? Also, how you have to link this paragraph, or how you have to maintain flow of part 1 with part B? Are yaar. Part B with part C with part D, part D with conclusion, right? Then maybe how you have to maintain the flow from introduction to body. This we will see in the flow wala lecture. In last lecture, we will see about the conclusion of essay writing along with time management, choice of topics and everything. ठीक है, इन लास्ट टू, आफ्टर दैट इन थीमेटिक एसेज वी विल जस्ट डिस्कस अबाउट द थीम्स, क्लाइमेट चेंज, उसके इशू, चैलेंजेस, डेटा एंड ऑल दो थिंग्स. मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ सेंस? ओके, ठीक है. फिलोसॉफिकल एसेज में यू नीड नॉट टू टेक एनी टेंशन. ठीक है, दिस इज द मोस्ट easiest and the cakewalk for you after the sessions. Even after my sessions, if you are following any sort of difficulty in philosophical essays, do let me know. वैसे नहीं होगी, कोई नहीं होगी philosophical essays में, नहीं होगी, बाकी में हो सकती है. क्योंकि अगर आपने GS के themes नहीं पढ़े हैं, loyalization आपको पता ही नहीं है, तो you may face some struggle. But philosophical में तो नहीं होगी, है ना? Now for anything where you want to connect directly to me, this is my personal telegram handle, t.me/shunyaessay. If you want to write it, please write it. So, for example, worksheet nahi mili. For example, sir, ko samajh mein nahi aaya. For example, for anything. I may not reply on the same day. Please excuse me for the same. Wait for the... Agar nahi kiya toh dot ke saath, please re-ping me with a dot. I will try to address everything. t.me/sunyaessay. Haan. Sorry? No, no, we will make the diversity, sir. That is, I will teach you. Don't worry. Different, sir, different. Haan, haan. You have to just validate the topic. I will teach it. I will teach this. Bahut achche se dekhenge hum. Brainstorming mein, understanding the topic wale component mein. We will see it very, you know, beautifully. That how we have to open the topic, then how we have to allocate the dimension to the different components. Just wait for it. Don't worry. In my sessions, na, just focus upon the thing on which we are talking. Agar components ki baat kar rahe hain, you should be just concerned about the components, hai na? That should be your agenda. Okay. So I think that is for the day, for the online people. Worksheet 0, I think you people have that on your table. And for the online people, you have it in your channel.
वॉट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी गिविंग इट एटलीस्ट 1.5 आवर टू 2 आवर्स राइट नाउ. प्लीज डू नॉट लीव द क्लास. इवन इफ यू आर नॉट एबल टू राइट एनी थिंग आई एम मोर देन हैप्पी. मुझे और ज्यादा खुशी होगी क्योंकि फिर एटलीस्ट एट एंड ऑफ द सेशन यू विल बी राइटिंग समथिंग. एट एंड ऑफ द ऐसे का कोर्स यू विल बी राइटिंग अ गुड ऐसे. सो वी विल जस्ट कंपेयर आवर आज का ऐसे विद दैट ऐसे. सिलेक्ट द टॉपिक, राइट वॉट एवर यू कैन राइट, सो दैट वेन एवर आई एम टीचिंग समथिंग यू शुड नो. हाँ यार सर ने बताया था, दैट इज वॉट आई कैन यूज इन माई प्रीवियस ऐसे. प्लीज गिव इट द टाइम. दिस इज द यू नो मोस्ट बेनिफिशियल टाइम यू विल स्पेंड. लेट मी टेल यू, प्लीज ट्राई टू डू. बहुत स्ट्रगल करोगे आप, यू विल स्ट्रगल लाइक एनीथिंग, बट डोंट वरी, यू राइट योर फर्स्ट ऐसे. पार्ट ए, चूज एनी टॉपिक, राइट इट. आई हैवन्ट टॉट यू एनीथिंग, आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर अगेन. मैंने कुछ नहीं पढ़ाया है अभी तक. यू हैव टू राइट योर ऐसे विद योर ओन इंस्टिंक्ट्स, वॉट एवर यू नो. दिस 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 ऐसे का कॉपी यू हैव टू सबमिट. यू राइट योर नेम एट द टॉप. वी विल नॉट इवेल्युएट इट. वॉट आई विल डू इज आई विल कीप इट विद माई सेल्फ. एट द एंड ऑफ द ऐसे का कोर्स आई विल गिव इट बैक टू यू. ठीक है, राइट इट. इफ यू वॉन्ट टू टेक फोटोज यू कैन टेक इट फॉर योर ओन, बट देन सबमिट इट. राइट योर नेम एट द टॉप, ईमेल आई डी एट द टॉप एंड कॉन्टैक्ट नंबर एट द टॉप. फॉर द पीपल हु आर ऑनलाइन आई विल टेल यू द वे टू डू इट. राइट, वी हैव द ईमेल आई डी, आई विल गिव इट इन द टुमारोज क्लास. सो राइट एज ऑफ नाउ राइट द एसे, टेक योर टाइम, कीप इट विद यू. फॉर द ऑनलाइन पीपल आई विल टेल यू द ईमेल आई डी, यू कैन सबमिट इट ऑन दैट. दिस विल नॉट बी इवेल्युएटेड बट दिस विल बी यूज टू कंपेयर योर फ्यूचर एसेज वंस वी आर डन विद द कोर्स. चलो ठीक है, ऑनलाइन पीपल सी यू इन द टुमारोज क्लास. टुमारो वी आर मीटिंग एट द सेम टाइम. राइट, वी विल स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स ऑफ एन एसे, है ना. सॉरी, अपार्ट फ्रॉम एनी वन फ्रॉम दैट बैच, जस्ट रेज योर हैंड फ्रॉम द करंट अफेयर्स बैच. 1, 2, 3. आई विल ट्राई टू देन शिफ्ट द टाइम, है ना. आई विल सी, I will announce it. You are part of the channel. Anyone who is not part of the channel, Telegram channel, Telegram channel. ऐसे का यार, पूरी रामायण खत्म हो गई फिर बोलते हो सीता कौन थी या राम कौन थी ऐसे चल. हाँ, इन ब्रह्मास्त्र, इफ यू आर पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र इन दैट चैनल ऑफ ब्रह्मास्त्र देर इज अ लिंक ऑफ अनदर ऐसे का चैनल. ज्वाइन दैट चैनल. यू डोंट हैव मोबाइल फोन, दैट इज फाइन. दैट तो घर जाके ज्वाइन करोगे ना आप. हाँ, इट इज देयर ऑन द वेबसाइट. शो मी, यू आर नॉट पार्ट ऑफ ब्रह्मास. ओके फाइन फाइन फाइन. यू वन टेकिंग द ऐसे का कोर्स येट? जस्ट टॉक इट इन द फ्रंट, है ना. Sorry, this is benefit only. This is the benefit only. Just try to observe it. This is a validation of the topic. No, you have to scribble at the back in the real exam also. Don't scribble on the very first page. On the back. No, not on the side. Scribbling सबसे end page पे की जाती है, rough page पे. I have already told you the rule, ना. अरे यार आप लोगों को ना मैं बच्चे की तरह समझाऊंगा नहीं हर क्लास में. मेरे को ये नहीं पता चल रहा है तुम लोग ये करते क्या हो. जब भी कोई भी मेंस की कॉपी आती है इसको ऐसे अलग करना है. सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट इस पे अपने को स्क्रिबलिंग करनी है या बैक पेज पे स्क्रिबलिंग करनी है अलग करके ऐसे में ना. इफ यू आर नॉट कीपिंग योर कॉपी असाइड योर ऐसे राइटिंग यू वॉन्ट बी
सेम स्टाइल में नहीं करना, ठीक इसका है? बढ़िया। और कुछ बचा? हाँ, नो नो नो, इट इट शुड बी। अबे कितनी बार फाड़ोगे? एक ही पेज फाड़ना है, पेज कम पड़ जाएंगे वरना। लीजिए। अच्छा, किसी को प्रिपरेशन रिलेटेड कोई डाउट है तो मेरे पास आ जाओ फटाफट फटाफट। किसी को, ब्रह्मास वालों को प्रिपरेशन रिलेटेड कोई डाउट है तो मेरे पास आ जाओ, मैं 15 मिनट के लिए अवेलेबल हूँ अभी।